हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सॉफ्ट ड्रिंक पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कांच या प्लास्टिक बॉटल दोनों भी पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं और उनको जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद बहुत से लोगों ने हमें टेट्रा पैक का सुझाव दिया। अगर आपको टेट्रा पैक क्या होता है ये पता नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, टेट्रा पैक के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नमस्कार, मैं आपकी बाटलिन बाई। आपने फ्रूटी और अमूल के लस्सी का पैकेट तो देखा ही होगा, बस उसी को कहा जाता है टेट्रा पैक। असल में टेट्रा पैक यह प्रोडक्ट का नाम न होकर कंपनी का नाम है। टेट्रा पैक नामक इस कंपनी को रूबिन रॉसन ने सन 1943 में स्वीडन में बनाया था। उनका लक्ष्य था इको फ्रेंडली पैकेजिंग का निर्माण किया जाए। अब आते हैं टेट्रा पैक के ऊपर। टेट्रा पैक को बनाने के लिए कार्डबोर्ड, एल्यूमिनियम फॉइल तथा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बाहर वाली परत होती है कार्डबोर्ड की, जिसके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग की जाती है और यह पैकेजिंग को मजबूती भी प्रदान करती है। इसके अंदर वाली परत होती है एल्यूमिनियम फॉइल की। यह परत ऑक्सीजन और लाइट को अंदर जाने से रोकती है और खाने को खराब होने से बचाती है। कार्डबोर्ड के इस्तेमाल के कारण यह पैकेजिंग आसानी से विघटित हो सकती है और इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। परंतु आपने सोचा है कि क्या फिर टेट्रा पैक को कोको कोला, पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स को पैक करने में क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? जैसे आपको पता ही होगा, सॉफ्ट ड्रिंक को बहुत दिन तक संरक्षित रखने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब यानि हाई प्रेशर में भरा जाता है और प्लास्टिक बोतल इस दाब को आसानी से झेल सकती है। परंतु अगर हम कार्डबोर्ड से बने टेट्रा पैक की बात करें तो यह दाब बिल्कुल भी नहीं सहन कर पाती और कभी भी फट सकता है। इसलिए टेट्रा पैक को सिर्फ दही, फ्रूटी, दूध जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? ज़रूर कमेंट करके बताएं और मिलते हैं नए वीडियो में एक नया विषय के साथ।